लौकी के हलवा बनाने जा रहे हैं, इसके लिए लौकी घिस लिए हैं। अभी चल रहा है इसका हलवा बनाने। देसी घी है, 4 चम्मच डाल रहे हैं। घी गर्म हो चुका है, इसी में 2 तेज़पत्ता और 2 छोटी इलायची। ये हो चुका है, इसी में लौकी डाल के अच्छे से भूनेंगे। भून जाएगा ना, दिखा रहे हैं। ये नारियल घिस लिए हैं और बाउल में 1 बाउल चीनी है और ये देखिए ड्राई फ्रूट है और 1 बाउल दूध है। अब इसी में थोड़ा कलर डाल लेंगे अच्छा लगने के लिए। देखिए दोस्तों कितना अच्छा भून चुका है, इसका कच्चापन निकल चुका है। इसी में दूध डालेंगे, इसी में दूध डाल के तो इसको 10 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद में तो मिक्स करेंगे काजू और बादाम और नारियल चीनी सब साथ में। देखिए कितना अच्छा पक रहा है, ये धीरे धीरे पकेगा कुछ देर तक। अब देखिए इसी में नारियल डाल देंगे और ये जो काट के ड्राई फ्रूट रखे थे वो भी डाल देंगे। अब इसको पकाएंगे और 10 मिनट, तब उसके बाद में चीनी डालेंगे। देखिए अच्छे से भून चुका है और इसी में अब चीनी डाल के अच्छे से भून लेंगे। हमारे पास तो खोआ नहीं है दोस्तों, अगर आप लोगों के पास होगा तो खोआ डालना। खोआ को मावा भी बोला जाता है, उससे भी अच्छा लगता है। ऐसे तो ऐसे भी अच्छा ही लगता है लेकिन वो डालोगे तो और अच्छा लगेगा। अभी चल रहा है चीनी डाले, भून लेंगे इसको अच्छे से तो आपको सॉफ्ट करके दिखा रहे। देखिए दोस्तों हमारा लौकी का हलवा बन के कितना अच्छा तैयार हुआ है। देखिए दोस्तों बन के तैयार हो चुका है, ये बाउल में मैं सॉफ्ट कर ली हूँ, आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, आप लोग ज़रूर घर में एक बार बना के खाइएगा लौकी का हलवा।